प्रातः क्लास चल रहा था 22-8-68 का, चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी तुम शंकराचार्यों से सन्यासियों से भी पूछ सकते हो और बता सकते हो कि तुम्हारा धर्म तो अलग है, वो तो बाद में आता है। शुरू शुरू में तो जरूर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और सभी धर्म मुक्ति में थे, और ऐसे ही अभी भी होगा। तुम बच्चे तो मुक्ति में जाने का सहज उपाय बताते हो, और वो तो कितनी हठी क्रियाएं आदि सिखलाते हैं। उनका तो है ही हठ योग, तुम तो मुक्ति में जाने के लिए बहुत सहज सहज बातें बताते हो। कहते हो अपन को आत्मा समझ, अपने परमपिता परमात्मा बाप को याद करो। बाप भी कहते हैं मैं ही एवर पावन हूँ, जो एवर पावन है वो ही सभी को पावन बना सकता है। एवर पावन का मतलब उसकी प्योरिटी की शक्ति का कितना भी कोई संग का रंग ले, उसकी पवित्रता कभी क्षीण नहीं होती है। इसके लिए शास्त्रों में एक श्लोक भी बनाया हुआ है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ले लिया जाए तो पूर्ण ही बचता है, खूटता नहीं है। अर्थात वो एवर प्योर है, और इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे धर्म पिताएं हों, धर्म आत्माएं हों, महात्माएं हों, वो सब संग के रंग में आने से खूट जाते हैं। उनकी प्योरिटी समाप्त हो जाती है, इसलिए जो संग के रंग में आकर के प्रभावित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, वो औरों को पतित से पावन नहीं बना सकते, स्वयं पतित होने वाला दूसरों को पावन कैसे बना देगा। सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, सब सुख भोगने की आकांक्षा रखने वाले हैं, जो भी पार्टधारी रंगमंच पर आत्माएं हैं
हमेशा भोगी हैं। शरीर से सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति की क्षीणता होती रहती है। एक ही तुरीय शक्ति है सर्वशक्तिवान, जो इस सृष्टि पर आता भी है, पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित तन में आता है, फिर भी उसकी पवित्रता की पावर कम नहीं होती है। जो जो आत्माएं उसके संग के रंग में आती हैं, उनमें दिन दूनी रात चौगुनी पवित्रता बढ़ती ही जाती है। तो बोला कि तुम बच्चे तो उस परम पवित्र बाप को पहचानते हो और उसे याद करने का सहज रास्ता बताते हो। वो तो कठिन कर देते हैं, निराकार बताए देते हैं, सर्वव्यापी बताए देते हैं। सर्वव्यापी बताने से तो बुद्धि भटक जाती है, कहां कहां बुद्धि को टिकाएंगे। अभी तो बाप ने सहज रास्ता बताया है कि अपन को आत्मा समझो और इस सृष्टि पर आए हुए साकार बाप को, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसे पहचानो। वो क्रिएटर है, क्रिएटर और क्रिएशन का संबंध साकार में होता है। उस क्रिएटर में वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करता है और पहचान देता है कि मुझे याद करो, मैं ही एवर पावन हूँ। जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूँ उसको भी एवर पावन नहीं कहेंगे, अभी उसे भी एवर पावन तब कहेंगे जब सुप्रीम सोल बाप उस आत्मा को आप समान बनाए लेते हैं। तो मुझे ही कहते हैं पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। बोलो, अभी तुम सन्यासी अपने देह अभिमान को छोड़ दो, अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम्हारे भी पाप भस्म हो जाएंगे। बस एक ही बात पक्की सुनाते हैं, उस एवर प्योर बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई भी हो, सभी को यही रास्ता बताओ। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, माने न माने, किसी की बुद्धि में अगर थोड़ा भी बैठ जाएगा तो प्रजा में आ जाएगा। नहीं बैठता है तो समझ जाना चाहिए कि हमारे धर्म का है ही नहीं। दो ही अक्षर समझाने हैं,
अलफ अर्थात अल्लाह, अल्लाह ऊंचे से ऊंच को कहा जाता है। ऊंच और नीच की गणना इस साकार सृष्टि पर ही होती है। निराकारी दुनिया में ऊंच और नीच की बात नहीं है। तो अलफ है ऊंच से ऊंच और वो ऊंच से ऊंच इस सृष्टि पर आता है तो ऊंचे से ऊंचा बादशाह बनाता है। पिछाड़ी में फिर एक ही बात कहते हैं, मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समझा। मैं निराकारी स्टेज वाला हूं, तू भी निराकारी बन जा। मैं निसंकल्प स्टेज वाला हूं तो मेरे को याद करते करते तू भी ऐसे ही बन सकता है। निराकारी बनेगा तो निर्विकारी बनेगा। तो निरहंकारी भी कहा जाएगा। इसलिए एक ही बात बताते हैं कि माम एकम याद करो, फिर जो जितना याद करो। अपनी याद का मीटर देखते रहो कि हमारी याद कितनी सहज होती जाती है। याद में बैठता हूं तो कितनी देर लगती है मुझे मन को एकाग्र करने में, ये मीटर देखते रहो। जो मीटर वाले होते हैं, पानी के मीटर वाले या बिजली के मीटर वाले, उनके पास भी तो मीटर होता है ना। लंबाई को नापने वालों के पास भी मीटर होता है। तो जितने माइल्स का पता पड़ता जाता है, नूद तो होता है ना। तो तुमको तो बहुत थोड़ा समझना और समझाना है। तुम्हारा समय तो बहुत कीमती है बाप से वर्षा लेने के लिए। बार बार बाप को ही याद करना है, खुद याद करना है और दूसरों का कल्याण भी करना है। समय नष्ट नहीं करना है। ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी सहा करनी है। इसके लिए दधीचि ऋषि का मिसाल दिया जाता है। तो मित्र संबंधी आदि जो भी मिले उनको बोलो कि हम तो सिर्फ एक ही बात सुनाते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, सब एक पिता के बच्चे हैं। तो हमारा धंधा सो बाप का धंधा। बाप का धंधा है सबको पैगाम दो। हम भी पैगंबर के बच्चे पैगंबर हैं। और कोई फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। पक्का बुद्धि में बैठाना है कि सिर्फ एक बाप की याद से ही पावन बनेंगे।
वृंदावन धाम दो ही है, एक शांति धाम और दूसरा सुख धाम। ये तो पतित दुनिया है दुख धाम। अभी फिर बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो दुख धाम को छोड़ करके तुम सुख धाम में ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले शांति धाम जाएंगे। जिसको समझाना है उसकी नब्ज भी देखनी पड़ती है। उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि दुनिया का विनाश होना है। तो पहले ही मर जाएंगे। तुम्हारी बातें सुनने के लिए उनको फुर्सत ही नहीं है, तो विनश्यंती हो जाती है। तुम्हारी तो विजय निश्चित है। तुम्हारे अलावा बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ओम शांति। अगला प्रातः क्लास है 23 अगस्त 1968। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब भी मुरली शुरू होती है तो अक्सर करके ये बात क्यों बोलते हैं, क्यों याद दिलाते हैं कि रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए याद दिलाते हैं कि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है, देहधारियों के संग के रंग में आने की। देहधारियों को देखते हैं तो देहधारियों की ही याद आती है। यहाँ तो दो बाप हैं, एक है रूहानी बाप, वो भी बेहद का है, बेहद की रूह है और उनका बाप बेहद का, और वो रूहानी बाप इन जिस्मानी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए याद दिलाते हैं कि रूहानी बाप समझाने वाला है और बैठ समझाते हैं। इसमें बैठ समझाते हैं, जिस्मानी बाप में बैठ समझाते हैं। वो जिस्मानी बाप भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। क्राइस्ट आदि धर्म पिता है, फिर भी 150-200 करोड़ मनुष्य सृष्टि के बाप है। उनकी तो फिर भी हद है, परंतु जिस मुकर्रर रथ में परमपिता परमात्मा रूहानी बाप आते हैं वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, परंतु समझाने वाला वो मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है, वो जिस्मानी बाप है। मनुष्यों को जिस्म होती है, वो जिस्मों को पैदा करने वाला है। जो जिस्मानी मनुष्य शक्ति है उसका बीज बोने वाला बाप है। 500 करोड़ मनुष्य शक्ति के पहले पत्ते को भी जन्म देने वाला बाप है, परंतु वो समझाने वाला नहीं है। समझाने वाला रूहानी बाप है। बताते हैं
कि मुझे ये बातें समझाने में मजा आता है। किसको? रूहानी बाप को ये रूहानी बातें समझाने में बहुत मजा आता है। और फिर तुम बच्चों को पवित्र बनाने में भी बहुत मजा आता है। और क्या, जितना जितना मैं तुम बच्चों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता जाता हूँ और जितना जितना तुम बच्चे मेरे को लगाव पूर्वक याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते जाते हो। इसलिए ही कहते हैं कि पतित पावन बाप को याद करो। पतितों को पावन बनाने वाला वो निराकार रूहानी बाप है। जब गाते हैं पतित पावन सीताराम तो गाने वाले भक्तों की बुद्धि साकार की ओर चली जाती है या रूहानी बाप की ओर जाती है? तो ये बात तो झूठी हो गई क्या कि राम और सीता पतितों को पावन बनाने वाले हैं? बाप भी बार बार समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, सब रावण की जेल में हो। अच्छा, उसमें प्रजापिता आ गया कि नहीं आ गया है? क्या अलग कर दिया? वो भी आ गया, वो भी रावण की जेल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो वो ये समझे कि मैं तो राम हूं, ये तो झूठी बात हो गई। परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु रूहानी बाप के सामने वो भी क्या है, सीता है या राम है? वो भी सीता है। फिर राम कौन है? निराकार राम है। निराकार का मतलब क्या? निराकार का मतलब जो इन आंखों से देखने में नहीं आता है, वो निराकार बाप शिव ज्योति बिंदु, उनका नाम शिव ही है। वो नाम कभी भी बदलता नहीं है। फिर ये राम नाम कहां से आ गया है? शास्त्रों में जो भी नाम है इस आधार पर है, काम के आधार पर है। वो शिव काम करता है या अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। बिंदु क्या काम करेगा? बिंदु कोई काम नहीं करता। जब वही बिंदु साकार में प्रवेश करता है तो काम करता है। क्या काम करता है? उसका मुख्य काम क्या है? पतितों को पावन बनाना। तो सब पतितों को एक साथ पावन बनाता है या नंबरवार बनाता है? जो पतितात्माएं पहले पहले पावन बनती हैं, वो बाप से राजयोग सीखने वाली आत्माएं हैं, राजयोगी हैं, हठ योगी नहीं है। उन राजयोगियों में जो उत्तम से उत्तम है, पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी,
उसमें जब मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं तो उन योगियों को जो परम पिता परमात्मा से राजयोग सीखते हैं उन्हें बहुत मजा आता है। जितना बाप को पतितों को पावन बनाने में मजा आता है उतना उन योगियों को भी सहज राजयोग सीखते समय बहुत आनंद आता है। कोई कहते हैं हमारा तो योग ही नहीं लगता, हमें तो बहुत कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है, हमें तो चेहरा भी नहीं याद आता। उसे चेहरे में प्रवेश होने वाला वो ज्योति बिंदु, उसकी याद तो बहुत दूर की बात हो गई, हमें तो वो आधार भी याद नहीं आता। तो इससे क्या साबित होता है, हैं? इससे साबित होता है कि उनका राजयोग का जो फाउंडेशन है वो ही कच्चा है। फाउंडेशन पक्का न होने की वजह से जो भी राजयोग की बिल्डिंग है वो कमजोर होती रहती है। जो आत्मा जिस समय ज्ञान में आई, बाप को पहचाना, उसी समय जो जितने अलर्ट हो जाते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। जिसका आदि अच्छा उसका मध्य और अंत भी अच्छा होता है। फिर भी कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है और कोई है नहीं। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, उन सब की सदगति करता है। हाँ, कोई की एक जन्म की सदगति होती है और कोई की 21 जन्मों की भी सदगति होती है। ये भी तुम ही समझते हो कि अभी घर जरूर जाना है। किसको किसको घर जाना है? मनुष्यों को घर जाना है कि ब्राह्मणों को घर जाना है? ब्राह्मणों को घर जाना है, है? आत्माओं को घर जाना है। पुरुषार्थ जास्ती कराने के लिए बाप कहते हैं कि ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट इतने जरूरी नहीं है जितनी याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। कोई कहे हम सेवा से पावन बन जाएंगे, ज्ञान सुन करके और सुना करके पावन बन जाएंगे, धारणा करने और कराने से पावन बन जाएंगे, नहीं, कैसे पावन बनेंगे? याद से पावन बनेंगे। याद से ही क्यों कहा? इसलिए कहा कि जिसका हम संग करते हैं इंद्रियों से, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो। मान लो किसी को आंखों से देखते हैं तो याद नहीं आवेगा? याद आवेगा। तो याद का कनेक्शन है। जितना प्रैक्टिकल जीवन में संग का रंग लगता है उतनी याद जरूर आती है। और संग का रंग भी अगर अटैचमेंट पूर्वक है तो याद और ही जास्ती आवेगी। अटैचमेंट कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, संग भले शरीर के साथ है
कंधे पर चढ़े हुए हो, सरेंडर ही हो गए हो, लेकिन बुद्धि कहीं, मन बुद्धि कहीं दुनिया में, बाहर की दुनिया में दूसरी ओर लगी हुई है, तो संग का रंग लगेगा नहीं लगेगा? और गहरी याद आवेगी है नहीं आवेगी? इसलिए बताया कि याद से ही पावन बनेंगे, और याद में भी जितनी अभिविचारी याद होगी उतने जाति जल्दी पावन बनेंगे। विविचारी याद होगी तो पावन बनने में देरी लग सकती है। तो मुख्य है याद की यात्रा, दूसरे नंबर में है पढ़ाई। तो बताया कि पहले तो अलफ बाप को याद करो, पीछे बादशाही की बात, जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो कि हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, इस बात पर विचार करना है, फिर तुम जान जावेंगे कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना है। जैसे ऊंची देवताई स्टेज से नीचे उतर करके राक्षसी स्वभाव वाले बने, ऐसे ही नीच से फिर ऊंच बनने के लिए क्या करना पड़ेगा है? अरे नीचे गिरे हैं अनेकों की याद से, अनेकों के संसर्ग संपर्क संबंध में जन्म जन्मांतर आते रहे तो नीचे गिर गए। अब क्या करें? अब जो एक ऊंचते ऊंच बाप का हमको परिचय मिला है, जाना है, माना है, स्वीकार किया है, उस एक बाप की याद में अगर हम टिकेंगे, टिकने का पुरुषार्थ करेंगे, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनेंगे। सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार सीढ़ी चढ़ गए तो फिर सदा काल चढ़े ही रहेंगे, नहीं, फिर उतरना भी है। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अभी लक्ष्य क्या है? है? अभी दोनों ही लक्ष्य हैं या एक लक्ष्य है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य तो नहीं है क्या कि सतो प्रधान बनकर फिर तमो प्रधान भी बनना है? कोई कोई ऐसे भी है जो बार बार बोलते हैं भक्ति से नीचे उतरना होता है, भक्ति नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? भक्ति पूरी होगी तभी तो भगवान की पूरी पहचान होगी। तो बुद्धि में क्या बैठा हुआ है, नीचे उतरना है या चढ़ना है? तो नीचे उतरने वाली बात हो गई नहीं, अभी तो हमें पक्का पक्का नीचे से ऊपर चढ़ना है, चढ़ती कला में जाना है, उतरती कला की तो बात ही नहीं। भला माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, माया तो हमको नीचे गिराती है, परंतु हमारा लक्ष्य से क्या है, पतित से पावन बनना है, क्योंकि हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। जब उतरते हैं तो बेहद के बाप का हमको ज्ञान होता ही नहीं, और अभी अभी तो हमको बेहद के बाप का ज्ञान है,
इसलिए ऊपर ही चढ़ने का लक्ष्य रखना है, नीचे गिरने की बात नहीं होनी चाहिए। और ये भी जानते हो कि बाप तो एवर पवित्र है, सचिव है पावन दुनिया, उस पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता है। सतयुग में ये पतित पने की कोई भी बातें नहीं होती है। तो मूल बात है पावन बनने की। अब पवित्र बनो तो नई दुनिया सतयुग में आने लायक बनो। उसके लिए प्रयास करना है, खुद भी पावन बनना है और दूसरों को भी पावन बनाना है। वहां नई दुनिया में कोई भी पतित नहीं होते, वहां सब पावन होते हैं, और यहां पुरानी दुनिया में सब पतित हैं। जो अभी सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वो ही सत्व प्रधान दुनिया का मालिक बनेंगे। तो मूल बात एक ही है कि बाप को याद करके सत्व प्रधान बनना है। बाप कोई जाति मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, बार बार कहते हैं। तो पहले पहले ये ही सबक पक्का करो कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। बस जो बड़े आदमी होते हैं जाति नहीं पढ़ाते हैं। जितना बड़ा प्रोफेसर होगा सारा दिन पढ़ाता होगा कि एक दो घंटा लेगा, थोड़ा पढ़ाता है, दो अक्षरों में सारा समझाए देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ ज्यादा नहीं दी जाती है, ये भी तुम जानते हो कि सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में भी कितने जन्म लग गए है? कौन बताएगा कितने जन्म लग गए है? कोई एक हाथ उठा के बता दो कितने जन्म लग गए है? 63 जन्म। अच्छा, 63 जन्मों से पहले जो 21 जन्म हुए उनमें नीचे नहीं गिरे, कलाएं कम नहीं हुई है? तो ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 63 जन्म ही लगे? अरे सत्व प्रधान पहले जन्म में होते हैं या त्रेता के अंतिम जन्म में भी सत्व प्रधान होते हैं? सतयुग के अंत में सत्व प्रधान के हैं है? नहीं। तो प्रश्न ये है कि सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे, 84 जन्म लगे? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है, है? वही 84 जन्म, 5000 साल। तो ये तो तुमको निश्चय हो गया कि पहले पहले हम ही सत्व प्रधान थे और दूसरे धर्म वाली जो भी आत्माएं हैं वो सत्व प्रधान नहीं थी, हम स्वर्ग के वासी थे। कहाँ के वासी? स्वर्ग के वासी। स्वर्ग के वासी की पहचान क्या हुई? स्वस्थिति में रहने वाले, स्वस्थिति में ही जाने वाले, गमन करने वाले। तो जो स्वस्थिति में गमन करते रहते हैं उनको कहते हैं स्वर्गवासी, अर्थात हम स्वर्ग सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे तो सब भी मनुष्य, हाथ पांव नाक आंख कान यही सब था ना, सब कि कुछ अंतर था?
है, जैसे मनुष्यों को होते हाथ पांव नाक आंख कान, वैसे वहां भी इंद्रियां थी, इंद्रियां यहां भी है, परंतु अंतर क्या था? वहां इंद्रियां सतो प्रधान थी, दुख देने वाली नहीं थी, और यहां इंद्रियां तमो प्रधान हो गई है, दुखदाई हो गई है, सारा शरीर ही दुखदाई हो गया। जो तमो प्रधान होता है वो दूसरों को ही दुख देता है या अपने को भी दुख देता है? खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी दुख देता है। तो इस समय है आत्री गुण वाले मनुष्य, ये तो शास्त्रों में धुक्का मार दिया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। वास्तव में जहां देवताएं होते हैं सतो प्रधान, वो कोई से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वहां असुर कहां से आए? असुर कहां होते हैं? जो आसुरी दुनिया होती है उसमें सब असुर होते हैं, और देवताई दुनिया में सब देवता होते हैं, तो उनकी लड़ाई होने की तो संभावना है ही नहीं। हाँ, देवताओं असुरों की आपस में लड़ाई तब लगी जब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ और असुरों का राज्य खलास हुआ। किसी की राजाई जाती है और दूसरे को मिलती है, ऐसी अगर संभावना हो जाए तो जिसका जाएगा वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? वो लड़ेगा। देवताएं थोड़ी लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई कौन लड़ते हैं? असुर लड़ाई लड़ते हैं। तो ये तो बाप समझाते हैं कि तुम पहले पहले ऐसे थे, बाप ने आकर के तुमको ब्राह्मण बनाया, नहीं तो पहले क्या थे? हैं? पहले शूद्र थे। शूद्र किसको कहा जाता है? है? आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने भी लिखा था, भय वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए, माना कोई भी पक्का ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं रह गया, मिक्स हो गए, शूद्र बन गए। अभी बाप ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ये एक प्रयास हुआ, फिर बाद में ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ब्राह्मण किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। फिर देवता किसके द्वारा बनेंगे? देवताओं के द्वारा। कौन सी देवताएं हैं जिनके द्वारा हम देवता बनते हैं? है? ब्रह्मा? ब्रह्मा है? ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे? कहेंगे। दाढ़ी मूछ वाले को देवता क्यों नहीं कहेंगे? है? दाढ़ी मूछ वाले को देवता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब नहीं बोलते। बोला कि वकील के द्वारा वकील बनता है, डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर के द्वारा इंजीनियर बनता है, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा के द्वारा देवता नहीं बनते। कोई बना क्या है? कोई नहीं बना।
क्या ब्रह्मा बाबा देवता नहीं बने है? देवता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फरिश्ता बने। फर्श की दुनिया वालों से उनका अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तो बोला, उन देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। उनका परम धर्म क्या है? उनका परम धर्म है अहिंसा। तो वो अब भी लड़ाई थोड़े ही करेंगे, हिंसा थोड़े ही करेंगे। हिंसा की तो बात भी नहीं हो सकती। सतयुग और दैवी राज्य की स्थापना, फिर लड़ाई कहां से आई? जिसके फाउंडेशन में ही अगर लड़ाई होगी तो सारा सतयुग आदि मध्यंत क्या हो जाएगा? लड़ाई लड़ाई हो जाएगी। तो जो सतयुग की स्थापना करने वाले हैं उनके तो संकल्प मात्र में भी लड़ाई की बात, हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए, बाहुबल की बात नहीं होनी चाहिए। सतयुगी देवताएं असुरों के पास आकर लड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। फिर कौन लड़ेगा? असुर जाकर लड़ेंगे या देवताएं जाकर लड़ेंगे? जो आसुरी संस्कार वाली आत्माएं हैं वो ही खिट खिट पैदा करती है पहले। ये पुरानी दुनिया है, तो जो पुरानी दुनिया है वो नई दुनिया हो कैसे सकती है? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनाते हैं सुनते हैं वो सत्य सत्य कहते रहते हैं। अभी तुम तो कोई शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते हो, तुम खुद गीता भी नहीं सुनते हो क्या? तुम ब्राह्मण अभी गीता भी नहीं सुनते हो? आगे तो सुनते थे, आगे माने यज्ञ के आदि में वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ बताते थे, सुनाते थे, और ब्राह्मण बच्चे सुनते थे। गीता सुनने के लिए मनुष्य कितने ढेर के ढेर जाते हैं। बाप कहते हैं कि इनमें तो कोई बुद्धि की बात नहीं है। किसमें? गीता के श्लोकों में भगवान को सर्वव्यापी बताई दिया, ये बुद्धि की बात हुई क्या? भगवान ही अगर सर्वव्यापी होगा तो मनुष्यों की बुद्धि सर्वव्यापी हो जाएगी कि एकाग्र होगी? सर्वव्यापी बन जाएगी। ये तो और ही बुद्धि को भटकाना हुआ, बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। इसे कलयुग की दुनिया में सात के सात पत्थर बुद्धि है, सतयुग में तो सभी की पार्श्व बुद्धि कहलाएंगे। वहां राजी पारसनाथ का है, यहां तो राज है ही नहीं। पहले करके राजाएं थे, वो राजाएं भी अपवित्र थे। अभी से 100-200 साल पहले दुनिया में किसका राज्य था? प्रजातंत्र राज्य था, राजाओं का राज्य था। अभी तो वो राजाओं का राज्य भी खलास हो गया। राजाएं थे तो जरूर उनका राज्य भी था, लेकिन वो पवित्र थे या अपवित्र थे? अपवित्र राजाएं थे तो यह था राजा, तथा प्रजा भी अपवित्र थी। बल उनको रतन जड़ित ताज था, क्या
ताज तो था उन राजाओं को, रत्नों से जड़ा हुआ ताज होता था, परंतु क्या नहीं था, पवित्रता का ताज नहीं था, लाइट अर्थात तो पवित्रता नहीं थी। वहां नई दुनिया में तो सब पवित्र थे, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वहां नई दुनिया में कोई ऐसे पवित्रता का ताज होता है जो सबको दिखाई देता है, ऐसा होता होगा नहीं। उनके नेत्रों से, उनके मुख से क्या झलकता था, पवित्रता की रोशनी झलकती थी, ये ताज था। जैसे क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, जो भी नए नए धर्म पिताएं परमधाम से नीचे उतरते, तो पहले जन्म में उनका जो चेहरा था वो कैसा दिखाई देता था, पवित्र देखने में आता था या अपवित्र देखने में आता था, पवित्र चेहरा देखने में आता था। वो लाइट पहले जन्म तक थी, बाद में क्या होता है, बाद में फिर अगले जन्मों में ऐसे नहीं कि वो आत्माएं कोई वापस चली जाती हैं, रहती तो इसी दुनिया में है लेकिन वो एवर प्योर नहीं है, वो जिसमें भी प्रवेश करती है पतित आत्मा में और दूसरे दूसरे मनुष्य जिनके संसर्ग संपर्क में आती है तो क्या बन जाती है, है? संग के रंग में आते आते पतित बन जाती है, लेकिन परमपिता परमात्मा कभी संग के रंग में आने से पतित नहीं बनता। तो ये जो चित्रों में पवित्रता की निशानी दिखाई जाती है, ये किस समय की बात है, हैं? भक्ति मार्ग में जो भी चित्र बनते हैं देवताओं के, वो किस समय की यादगार है, हैं? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जब तुम्हारा ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ पूरा होता है तो तुम ब्राह्मण सो क्या बन जाते हो, देवता बन जाते हो, और जिस क्षण तुम देवता बनते हो उस समय तुम्हारे चेहरे पर भी वो पवित्रता की लाइट देखने में आती है, बाकी ऐसी कोई लाइट होती नहीं है, वो लाइट ही ना आंखों से दिखाई पड़ने की चीज नहीं है। तो इस समय संगम युग में तुम भी पवित्र बनते हो, अभी तुम्हारी लाइट कहाँ है, ये तो सिर्फ पवित्रता की निशानी दिखाई गई है चित्रों में, और चित्र तुम्हारी परिपूर्ण अवस्था की यादगार है, अभी तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारे पर कोई लाइट का ताज थोड़े ही है। हाँ, आत्मा जानती है कि हम बाप से योग रख करके बाप को याद करते करते बाप की जो लाइट है एवर प्योरिटी की लाइट वो हमारे अंदर समा जाती है, फिर वहां विकार का नाम निशान नहीं रहेगा। अभी तो विकृति आती है, मन में भी विकार आता है, मन के संकल्प जो बीज है बीज में ही विकार आवेगा, तो इंद्रियों में भी विकार आवेगा या नहीं आवेगा, आवेगा। जब तुम्हारी ऐसी स्टेज बन जाए कि संकल्प मात्र में भी विकार ना आवे तो इंद्रियां भी कैसी बन जाएंगी, निर्विकारी बन जाएंगी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहे जाएंगे।
वहां नई दुनिया में तो विकार का नाम निशान भी नहीं होता, वहां तो विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। अभी तो राज्य किसका है? अभी तो रावण का राज्य है, हैं? फिर क्या कहें, राम का राज्य नहीं है, हैं? राम का राज्य नहीं है, सात सीताओं के ऊपर रावण का राज्य है, राम का राज्य नहीं कहेंगे? सत्युग में रावण का राज्य होता ही नहीं है, यहाँ तो रावण दिखाते ही है ये सिद्ध करने के लिए कि रावण का यहाँ पर ही राज्य होता है, और हर साल रावण को जलाते हैं। ऐसे नहीं कि एक साल रावण जल गया तो फिर खलास हो गया, इसका क्या मतलब है? ये हर साल जलाने की जो प्रथा है, परंपरा है, ये कहां से आई है? अरे थोड़ा सा बोले, संगम युग से आई, कैसे? हम जितना जितना राम संप्रदाय के भांति बन करके ज्ञान बाण छोड़ते जाते हैं, रावण अंदर अंदर से जी से जल मरता है, जलता जाता है। क्या अंदर अंदर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, या उन बाणों का उसके पास कोई जवाब है? नहीं जवाब है तो जलेगा ना, परंतु फिर क्या करता है? जलेगा तो भस्म हो जाना चाहिए, राख बन जाना चाहिए, फिर अगली साल और बड़ा होकर के कहां से आ जाता है, हैं? वो भक्ति मार्ग का आडंबर और इतना जास्ती बढ़ाता है, पाम्प एंड शो ईश्वरीय सेवा के नाम पर इतना जास्ती बढ़ाता है कि रावण का और ही बड़ा विकराल रूप हर वर्ष सामने आ जाता है। तो यहाँ की यादगार है भक्ति मार्ग में कि रावण का हर वक्त पुतला बड़ा बनाते जाते हैं, जलता ही नहीं है। जब तुम रावण पर जीत पा लेंगे तब रावण नहीं होगा, परंतु तुम तो अहिंसक हो, तुम्हारी जीत कैसे होनी है? तुम्हारी जीत इंद्रियों के बल से नहीं होगी, ये वाचा भी क्या है, वाचा भी जो जिव्या इंद्रिय है वहां से वाचा निकलती है, वाचा से जीत नहीं होगी, कोई भी इंद्रियों से जीत नहीं होगी, कैसे जीत होगी है? अरे योग लगाने के लिए इंद्रियां मुख्य हैं या मन मुख्य है? मन मुख्य है। तो मन जब तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा तब तुम्हारी रावण पर जीत हो जाएगी, तो योग बल से तुम्हारी जीत होती है। योग बल कहो, याद बल कहो, याद कैसे करना है? इंद्रियों से ना याद किया जाता है क्या? इंद्रियों से थोड़ा याद किया जाता है, कैसे याद करते हैं? मन बुद्धि से याद किया जाता है। तो याद की यात्रा से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं, ये बात भी तुम जानते हो। क्या क्या और धर्म की आत्माएं जो ब्राह्मण संप्रदाय में बैठी हुई है, वो फिर भी अपना वाचा का बल, इंद्रियों का बल, बाहुबल दिखावेंगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है क्या कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, जब कोई सहारा काम नहीं देता
तब अंत में ये बात बुद्धि में बैठेगी कि बाप की याद के सिवाय हमारी जीत होने वाली नहीं है। ओम शांति।